व्यापम की परीक्षाओं में हुए फर्जीवाड़े के आरोपी खनिज कारोबारी सुधीर शर्मा के पास कोर्ट में पेश होने के लिए सोमवार का आखिरी दिन था। एसटीएफ को उम्मीद थी कि अगर शर्मा सोमवार को भी हाजिर नहीं होते हैं तो कोर्ट उनकी संपत्ति कुर्क करने की तैयारी शुरू कर सकता है। हालांकि अब कोर्ट ने सुधीर शर्मा को एक दिन का समय और देकर थोड़ी राहत जरूर दी है। सोमवार को सुधीर शर्मा के वकील प्रतुल शांडल्य ने सीजेएम पंकज माहेश्वरी की कोर्ट में बताया कि सुधीर फरार नहीं है, बल्कि वो तो एसटीएफ की जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं। कोर्ट ने इसके बाद 5 अगस्त तक कुर्की की कार्रवाई रोक दी, लेकिन जब एसटीएफ ने इस पर आपत्ति जताई तो उनकी जांच सही दिशा में चल रही है, इससे रुकावट होगी, तब कोर्ट ने अपना पहला निर्णय बदला और कुर्की संबंधी कार्रवाई रोकने के लिए सुधीर शर्मा को सिर्फ एक दिन की और मोहलत दी। गौरतलब है कि एसटीएफ ने सब इंस्पेक्टर और सिपाही भर्ती परीक्षा में सुधीर शर्मा को आरोपी बनाया है। उस पर आरोप है कि परीक्षा में पैसे खाकर लोगों का चयन कराने में उसने रैकेटियर की भूमिका निभाई थी और अब मामला उजागर होने पर सुधीर शर्मा गायब भी हो गया था और एसटीएफ को उसको पकड़ने के लिए एड़ी चोटी तक का जोर लगाना पड़ा। अब आरोपी बनाए गए सुधीर शर्मा की संपत्ति कुर्की का आदेश कोर्ट जल्द ही दे सकता है। वहीं इस मामले में विपक्ष ने भी काफी हंगामा मचाया हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमएसटीवी न्यूज़ भोपाल।